मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशा, सहमे सहमे रहते हैं, करते रहते हैं फरियाद। मैं तैनू समझावा कि ना तेरे बाजू लगदा जी, तू की जाने प्यार रे मेरा, मैं करूँ इज्जत। कैसे लगा मेरा गाना? जो तुम गा रही थी वो वाला गाना या जो मैं सुन रहा था वो वाला गाना? तुम कौन सा गाना सुन रहे थे? जो तुम गा रही थी वही मैं सुन रहा था। हाँ तो मैं तो वही गाना गा रही थी ना जो मैं सुन रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि हम दोनों एक ही गाना सुन रहे थे। How romantic. अब अच्छा अब मुझे बताओ ना तुम्हें मेरा गाना कैसे लगा? गाना? अब लाजमी सी बात है, तुम गा रही थी गाना। क्या गाना गा रही थी तुम? अच्छा ही होगा ना, बहुत अच्छा था। हाँ तो तुम भी तो वही गाना सुन रहे थे मगर मेरी आवाज में। इसीलिए तो कह रहा हूँ तुम गा रही थी ना बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा। हाँ तो तुम बताओ ना मेरी आवाज कैसी है? अच्छा वो तुम्हारी आवाज थी? हाँ मैं गा रही थी, मैं तुम्हारी आवाज थी। मुझे लगा कोई कोयल कहीं दूर बैठी कूक रही है, कूक कूक कूक। सच में? अरे हाँ हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ, मम्मी जान की कसम। मैं आज बहुत खुश हूँ, थैंक यू। बेटा जब दिल चाहे आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। तुम्हारे अम्मी अब्बू भी साथ आ रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, तुम ही आ जाओ। अरे यहाँ तुमसे मिलके सब बहुत खुश होंगे। अच्छा अल्लाह हाफिज। कोई मतलब चिड़ियाघर से आ रहा है जो सब मिलकर खुश होंगे? गुलाम मेरी भतीजी नौरीन आ रही है। अच्छा 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 अच्छा, तो मतलब अब तबीयत कैसी है उनकी? क्यों क्या हुआ उसे? अस्पताल में थी ना वो। वो तो ससुराल वालों से तंग आके बहाना किया था उसने। मैं इतना अच्छा गाना गाती हूँ, पता है इसने क्या बोला कि मेरी आवाज बिल्कुल कोयल की तरह है। बताओ ना। बेटा जरा लड्डू पे कम इनसार करो वरना इसकी मिठास से शुगर भी हो सकती है। गुलाम आप फजूल में मेरी बेटी को मायूस कर रहे हैं। चलो बेटा अपनी अच्छी सी आवाज में कुछ सुनाओ, गाओ बेटा गाओ। मैं सबके लिए चाय बना कर लेकर आता हूँ। अरे बैठो जरा, अपनी कोयल की कूक तो सुन लो। मुझे गाना भी आता है, मैं गाना भी सुनाती हूँ। ये मौसम ये मस्त नजारा, प्यार करो तुम कैसे करो ये कैसा लगा मेरा गाना? मेरा गाना कैसे लगा? कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बाबा हाँ बेटा तो तुम्हारी प्यारी आवाज में खो सी गई थी। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, बस सुरों की थोड़ी सी कमी थी, लय और ताल का मसला था और आवाज को रियाजत की जरूरत है, बस बाकी सब बेहतरीन है। हाँ हाँ मेरा भी यही ख्याल है, बस थोड़ी सी रियाजत की जरूरत है तुम्हें। हाँ 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 लेकिन वो भी तन्हाई में, बिल्कुल तन्हाई में। इसका मतलब है मैं सिंगर बन सकती हूँ? के लिए चाय बना कर लेकर आता हूँ। हाँ मैं भी जरा वो किचन में बर्तन पड़े हैं, मैं उनको धो लूँ जाके। अच्छा मामा अब सिर्फ आप ही बची हैं, एक काम करती हूँ मैं आपको गा के सुनाती हूँ। लड्डू अब देख यार ये भेड़िए की आवाज कहां से आ रही है? ये
हाँ नहीं बेटी के कमरे की तरफ से। लड्डू, अरे बेगम, अरे लड्डू, लड्डू, अरे क्या हुआ? लगता है अंदर कोई भेड़िया घुस गया है। भेड़िया? अरे अरे भेड़िया है तो फिर आप यहाँ खड़े हुए? भेड़िया मेरा रिश्तेदार नहीं जो मैं गपशप करूँ उससे बैठ के। अरे भाई फौरन आवाज सुनिए तो आया हूँ भाग के। अच्छा हटिए हटिए पीछे, लीजिए दरवाजा तो खुला हुआ है। क्या हुआ हनी बेटा, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या कहाँ पर है? भेड़िया, भेड़िया क्या बाबा, यहाँ भेड़िया कहाँ से आएगा? यही तो पूछ रहा हूँ मैं, भेड़िया कहाँ है? सो सर जी, ये पूछिए भेड़िया कहाँ गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या बोल रहे हैं। मामा आप बताइए क्या हुआ? अरे बेटा हम तो घबरा के भागे चले आए, तुम बताओ ना। भाई वहां मैं था तो मुझे आवाज आ रही थी क्योंकि जैसे कोई जानवर रो रहा है। मामा वो तो मैं रियाज कर रही थी, आपने तो कहा था कि मैं अकेले में रियाज करूं, आपने मुझे भेड़िया बोल दिया, तो क्या मैं अपना टैलेंट भी वेस्ट कर दूं? अरे नहीं 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 हनी बेटा, हम तुम्हारे लिए किसी अच्छे से उस्ताद का बंदोबस्त कर देंगे। उस्ताद? अब उस्ताद कहाँ से आएगा? उस्ताद? अबे बेकार है ये तो। चल ठीक है देखेंगे। 5,000? उस्ताद ये तो सिर्फ 5,000 है इसके। अबे तो क्या चोरी की बाइक के 2,25,000 रुपए दूंगा तुझको? नहीं नहीं भाई, बेकार बाइक बिल्कुल, वो देख पटी पुरानी आगे से। अच्छा चल ठीक है, एक काम कर, 120 रुपए और रख। हाँ ना रखना, ठीक है ना? मैं एक उस्ताद को जानता हूँ। बेटे तुम स्कूल के उस्ताद को भी नहीं जानते होगे, यहाँ मौसीकी के उस्ताद की बात हो रही है। गुलाम जी, जी जी अगर लड्डू कह रहा है तो जानता होगा ना? जी जी जी। लड्डू बेटा तुम ऐसा करो अभी चले जाओ और जाकर जल्दी से उस्ताद जी को ले आओ। जी मम्मी हुजूर, मैं यूं गया और यूं ही आया। मुझे भेड़िया बोल दिया। बकवास बनकर 12 का पाना लेके घुमा के चल। ये लो, ये पकड़, ये 12 का पाना, 12 का पाना है ये। उस्ताद आ भाई, लड्डू क्या लाए? आ जाओ जा भाई, चाय पकड़। अबे वो 2.5 के पाने, तू तो निकल। उस्ताद मेरी इज्जत का सवाल है, मैंने हामी भर ली है। हाँ भाई हामी भर लिया। साथ अगर तू मेरे साथ नहीं गया ये आसमान मेरे सर पे गिर पड़ेगा। अबे मैंने तेरे को कितनी बार बताया है भाई, जो तो मौसीकी का उस्ताद होता है और जो तो मैकेनिक का उस्ताद होता है, अबे जमीन आसमान का फर्क होता है, समय मरवाएगा। तो मैं भी तो तुम्हें यही बता रहा हूँ कि असली सिंगर में और मेरी बीवी में भी बड़ा जमीन आसमान का फर्क है। मेरी मानो, मेरी मानो, बस मेरे साथ चलो। अच्छा चल, मैंने माना, मैं तेरे साथ चल भी दिया। अबे तो ये जो 14 गाड़ियाँ पड़ी हैं ये मेरा बाप बनाएगा? एक बात तुम नहीं जानते उस्ताद, मेरी सास को नहीं जानते तुम? अरे मैं तो जानूंगा तेरी सास को, बहुत मोटी पैसों वाली असामी है। अच्छा एक बात बता, कि तेरी सास से कितने पैसे निकल आएंगे? आधे। आधे मतलब? जितने भी मिले आधे तेरे होंगे आधे मेरे होंगे, सिंपल। चलो चलो, तौबा तौबा तौबा, 2 नंबरी के काम में फिर से 2 नंबरी। वाह 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 उस्ताद, वाह 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 वाह। ये चोरी की गाड़ियों की जो लाइन लगी है ये तो तुम उनके मालिकों को वापस करने वाले हो ना? अच्छा मियां लड्डू, तो हमने सोच लिया कि इंशाल्लाह मैं तुम्हारे को तारा तुम्हारे साथ चलेंगे, क्योंकि मुझे कुछ दिख रहा है वहाँ पे। हाँ है ना, गाड़ियाँ वाड़ियाँ बन जाएंगी भाई। कल्लू देख ली दो गाड़ियों को, मैं जरा जा रहा हूँ दो दिन के लिए। चलो भाई। बिल्लू बिल्लू बिल्लू, अभी कपड़ों का क्या होगा? चेंज करने पड़ेंगे। अभी ये तो कमाल हो गया भाई, अब लग रहे हो ना मौसीकी के उस्ताद। भाई आता जाता खुश नहीं है, तेरे को पता है, तू मदद करेगा, सपोर्ट करेगा पूरी। फिक्र ही नहीं करो, वादे करो वादे, पक्के वाले वादे। चलो बचपन में सुना था क्या? आहा हा पानी का बुलबुला, चार दिन आदि सानी धापा मा करे सा। आओ सानी धापा करते हैं। वाह 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 वाह। लड्डू बिना पता नहीं कहाँ रह गया,
इतना लेट हो गया वो, और मेरे उस्ताद जी भी नहीं आए। लड्डू कोई काम ढंग से नहीं करता है ये। आइए आइए उस्ताद जी आइए। हाँ भाई चलो चलो। अरे भाई वाह 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 बहुत आला भाई बहुत आला। जी क्या हुआ? अभी तभी तो कह रहा हूँ बहुत आला, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। हाँ भाई सेल्फी सेल्फी। हाँ लो लो सेल्फी। आओ 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 हम लेते हैं ये लो। उस्ताद जी बैठिए बैठिए। भाई वो उस्ताद कहाँ है? तो ये कौन है? ये उस्ताद। अच्छा जैसे तुम डेढ़ होशियार हो ना, ऐसे ही तुम उस्ताद भी डेढ़ उस्ताद लेके आए। हेलो हाँ नौरीन। अरे क्या कह रही हो, गाड़ी खराब हो गई? अच्छा चलो कोई बात नहीं, जब गाड़ी ठीक हो जाए फिर आ जाना। अरे तुम्हारा अपना घर है। अच्छा अल्लाह हाफिज़। हाँ तो उस्ताद जी आप सिखाना शुरू करें बच्ची को, और आपकी फीस कितनी होगी? 1 लाख। 1 लाख? अच्छा अच्छा मेरे ख्याल में ये बच्ची को मौसीकी सिखाने के साथ साथ इसका एल्बम भी इन्हीं पैसों में आप रिलीज करेंगे। बहुत आला भाई बहुत आला, बहुत इजी लिया आपने हमको। ओ भाई मैं कोई इधर उधर का उस्ताद नहीं हूँ, हम सूरमा उस्ताद हैं, सूरमा उस्ताद। बड़े बड़े नाम है हमारे शागिर्दों में। यहाँ जैसे के जनाब हबीबुल्ला आजम दिलनवाज लाला मुसरी साहब। ये कौन है? आपने तो कहा था बहुत बड़े बड़े हैं, तो इससे बड़ा नाम और क्या होगा। अच्छा 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 लिखने में बड़े, लिखने में। ओ भाई नाम चाहिए आपको तो चलो अब नाम सुनो। उस्ताद मुसर्रत फतेह अली खान, आबदा नसरीन, सज्जाद वली, अली खैबर, मुशक्कत अमानत अली, और क्या क्या नाम चाहिए। हाँ और बात सुनो भाई, मैं नहीं सिखा रहा तुम्हारे, अब जा रहा हूँ मैं यहाँ से। ओ नहीं उस्ताद जी। अरे नहीं नहीं उस्ताद जी आप बैठे बैठे बैठे, हमें आपकी फीस मंजूर है, बस आप तो बच्ची को सिखाना शुरू करें। मगर ये इसकी जेब में क्या है? ये दरअसल कुछ शागिर्दों के सुर वगैरह ढीले होते हैं तो उनको कसने के लिए रखा है। रख रख प्यार से रखा। वाह उस्ताद वाह, क्या बात क्या बात है। आप चाहती हैं? हेलो उस्ताद, वो काली वाली गाड़ी का रेडिएटर भी लीक कर रहा है। रेडिएटर? अबे अबे तू 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 छोड़ दे उसको, तू छोड़, मैं आ रहा हूँ, मैं आके खुद देखूंगा। हाँ अबे बस बस मैं खुद देखूंगा। ओके 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 अब आधे घंटे में आ रहा हूँ। उस्ताद उस्ताद ये आप फोन पे क्या कह रहे थे, रेडिएटर? हाँ हाँ वो हॉलीवुड की बड़ी जबरदस्त फिल्म थी, आपने देखी होगी ग्लैडिएटर। हाँ थी ना, उसी का डायरेक्टर पार्ट 2 बना रहा है, उसका नाम है रेडिएटर। हाँ उसकी मूसीकी ना हम लोग कर रहे हैं हमारे स्टूडियो में हो रही है, ये बात है असल में। हाँ 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 सुसर जी भाग के जरा दुकान चाय तो पकड़ लो। भाग के चाय पकड़ लो, चाय उड़ती भी जा रही है कहीं, जो पकड़ लो भाग के। ये क्या बात, गुलाब? मेरा मतलब था कि देखें भाग के चाय क्या पकड़ना, मैं तो आहिस्ता आहिस्ता भी जाके चाय ला सकता हूँ। अच्छा चलो लड़ो नहीं दोनों आपस में, दोनों जाओ और जाके चाय बना के लाओ। अच्छा जाओ। चले सुसर जी चले 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 आगे आगे आगे। बस तो उस्ताद जी आप अभी से अपनी क्लास शुरू कीजिए, मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ। बिल्कुल आप जाएं, हम क्लास शुरू करते हैं। हाँ भाई छोटू सामान निकाल चल। ये उस्ताद मुझे कुछ गड़बड़ लगता है। गड़बड़? कैसी गड़बड़ सुसर जी, कोई गड़बड़ नहीं है। अबे हाथ देखें उसके, ठोका पीटी वाले हाथ लगते हैं, लगता है कहीं हथौड़े चला के आया, हथौड़े चला के आया। हथौड़े? ये खांसी क्यों आ रही है इतनी? वो खांसी, वो सुसर जी खांसी एक कुदरती अमल है, अब आप सोते में खराटे लेते हैं। मैंने आपको कभी कुछ कहा?
वो तो इसलिए कि तुम मेरे साथ सोते नहीं। तो मम्मी जी ने कभी कुछ कहा? अरे वो सारा दिन मेरा सुकून बर्बाद करके रखती है, मैं रात में खर्राटे लेके उसका सुकून बर्बाद करता हूँ। अच्छा है, अच्छा है। खैर छोड़ो इस बात को, हम उसी बात पे आ जाते हैं, उस्ताद वाली बात पे। वही बात कर रहे थे ना, ये उस्ताद मुझे दो नंबर का लगता है। तुम्हें क्या लगता है कि ये असली है? हाँ असली है, 100% असली है। अब सुसर जी आपकी कसम असली है। मेरी कसम नहीं खाना, मेरी कसम नहीं, कसम वापस लो, वापस लो कसम। ठीक है, आपकी कसम वापस लेता हूँ, वो मम्मी जी की कसम। खुश? हाँ, अब मुझे यकीन आया कि उस्ताद में कोई गड़बड़ है। ओ ससुर जी, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है। इतनी बार मुझे यकीन दिला के गया है कोई गड़बड़ नहीं है, इसका मतलब है गड़बड़ है। क्या कह रही हो, गाड़ी खराब हो गई? अरे कोई बात नहीं, आजकल तो इतनी टैक्सियां चल रही हैं, ये रशीद नईम जमील नामी लोग चला रहे हैं। हाँ कुछ भी करके आ जाओ। चलो ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। जी जी कहिए। आपको कैसे मालूम हो कि मैं आपसे कुछ कहने आया हूँ? आपके माँ बाप के बाद से ना मैं ही आपको पाल पोस रही हूँ। जी 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 जी, वो असल में मैं, हाँ छोड़िए इस बात को, मैं आपसे ये कहने आया था कि वो जो जो उस्ताद है ना उस्ताद, ये मुझे उस्ताद नहीं लगता। शुरू हो गई आपकी जासूसी? नहीं बेगम, आप उसके हाथ तो देखें जिनसे वो टिंग 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 करता है, हथौड़ेबाज हाथ लगते हैं, हथौड़ेबाज, यकीन करें ठोका पीटी वाले हाथ है वो। बस कर दें गुलाम, बस कर दें। अरे आपकी शक्ल देखकर कोई कह सकता है, है? कि आप इस बंगले में रहते हैं? अरे नहीं, नहीं मेरा मतलब देखें ये है बेगम कि आप आप कुछ सोचें। देखिए मुझे कुछ शकूक व शबात है ना, आप आए मेरे साथ चलें, थोड़ी देर वहाँ जाके बैठते हैं, थोड़ी ही देर के बाद सब कुछ खुल जाएगा। ओफो, एक तो मैं आपके इस खब्त से ना बहुत परेशान हूँ। चलिए आइए आइए। हाँ चलिए चलिए। ए ए बाबा 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 बी बी ना 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 बी जरा जान से आएगा अंदर से यहां से पूरी पावर में V6 ओके बी हाय वाह 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 सही से लगाना टेका सी हाय हाय वाह वाह अगर मौसीकी की ABCD पता होती आपको तो ये बात ना करते आप। तो इसकी भी ABCD बिल्कुल इंग्लिश वाली होती है? हाँ तकरीबन वैसी होती है, बस जरा सी सुर में होती है, जैसे ए बी। अच्छा फिर इसमें A4 B4 और C4 क्या होता है? क्या होता है? हाँ हाँ, ए फॉर एक्सेल, वाह 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 वाह, बी फॉर बोनेट क्रैच, सी फॉर कार, डी फॉर डैशबोर्ड, ई फॉर इंजन। उस्ताद जी ज्यादा हो रहा है। उस्ताद जी आप हनी को कोई रियाजत वगैरह कराए ना। हाँ हाँ हाँ, रियाजत क्यों नहीं, बुजुर्गों ने कहा है कि रियाजत का वक्त जो है वो सिर्फ सुबह सुबह अलग सुबह तड़के का वा। तड़के का वा। तड़के का हाँ, वो जैसे दाल। हाँ अब मैं ही कह रहा था कि भाई हमारी एक रीत है और वो ये कि जब हम कहीं मौसीकी सिखाने जाते हैं तो फिर मैं और ये वहीं कायम करते हैं, इसलिए हमारे सोने का आराम का इंतजाम किया जाए। अच्छा उस्ताद जी, आप इतने अच्छे गाने वाले हैं तो अपनी आवाज़ का जादू जगाइए और हमें भी कुछ सुनाइए।
है भाई, उस्ताद हैं तो गाएंगे, क्यों नहीं गाएंगे, आप सुनाते हैं, लाओ लाओ लाओ, लीजिए। हाँ भाई ठीक है। टूट गया, अब बन जाएगा। ये असल में एक मिला जुला गाना है, इसके अंदर दो रागों की मिक्सिंग हो गई है, बंदिश हो गई है, आमेदिश हो गई है। वो इंजन में ऑयल और पानी कैसे मिल जाते हैं, हाय हाय बर्बादी हो जाती है, पिस्टन रिंग का काम हो जाता है। आ भाई खुदा का वास्ता भाई, ओ अच्छा तो गा रहे हैं, कितना बेसुरा गा रहा है, और तुम कह रहे हो सुरीला कान है तुम्हारे के नहीं। अच्छा भाई मुझे आप लोगों को एक बात बतानी है, एक रीत है हमारी, हम जहाँ मौसीकी सिखाने जाते हैं वहीं क़याम करते हैं, हमारा और हमारे साजिंदों का इंतज़ाम किया जाए, हम ही सोएंगे। गुलाम गुलाम जी मैं कह रही हूँ कि उस्ताद जी की फीस ना एडवांस दे देते हैं हम, भाई वो तो बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी बच्ची को सिखाना ही छोड़ दे। बेगम मेरा ख्याल ये है कि मैं आपसे आपका ख्याल नहीं पूछ रही हूँ, बता रही हूँ आपको। ससुर जी मम्मी उसे बिल्कुल सही कह रही हैं। ये आओ आके बहुत अच्छा गद्दा था, बहुत ही टाइट गद्दा था, और ऐसी भी ऐसा टमाटम चल रहा था, मजा आ गया बिल्कुल बेडफुट। हाँ भाई रात के खाने का क्या इंतजाम किया आप लोगों ने भाई? उस्ताद जी आप जो हुक्म करेंगे वही बन जाएगा, घर में 1.5 किलो की बिरयानी हो जाए बछिया की, बटके ढेड़े में हो जाए तो मजा ही आ जाएगा। डाइटिंग का चक्कर है असल में, और दाल हो जाए माश नहीं बल्कि ऐसा करें मूंग मसूर की मिक्स करके तड़का लग जाए तो आ हा हा भाई वाह है ना, कमाल हो जाएगा। ये असल में डाइटिंग का चक्कर है, और मीठे में जर्दा कर लो खोया डाल के जरा 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 सा ज्यादा। असल में डाइटिंग कर रहा हूँ ना, वरना फिर मैं खुल के खाता हूँ। वैसे गुलाम जी 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 अच्छी तरह सुन लिया है ना उस्ताद जी ने क्या क्या कहा है? पता नहीं मैं लिख लूं अगर आप कहें तो। रात के खाने में ये सब चीजें अच्छे से तैयार कर लेना। और लड्डू बेटा अब तुम भी काम पे लग जाओ, बहुत हो गई। अरे नौरीन आओ आओ मेरी बच्ची आओ आओ, देख रहे हैं ये देखे उठ कर उसको जगह दे दे, उठिए चले वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल आओ इधर बैठो मेरे पास। अरे मेरा बच्चा कैसी हो, है ठंड पड़ गई मेरे दिल में। मैं ठीक हूँ आंटी, मेरी गाड़ी आपके घर के बाहर क्या कर रही है? हैं तुम्हारी गाड़ी हमारे घर के बाहर? मगर तुम तो ये कह रही थी कि तुम्हारी गाड़ी खराब है, तुमने ठीक होने के लिए दी है। उस्ताद तुम यहाँ? अरे तुम उस्ताद जी को जानती हो? यही तो हैं वो उस्ताद जिनको मैंने गाड़ी बनने के लिए दी है। क्या ये मौसीकी के उस्ताद नहीं है क्या? ये मेरे गाड़ी के मैकेनिक हैं। लड्डू मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ भी है नाशार, सहमे सहमे रहते हैं करते रहते हैं फरियाद।